हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। कैसे आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं फिर से कांवरिया पथ पर। कांवरिया पथ का वीडियो मैंने जो है आप लोग के साथ शेयर किया था, बसंत पंचमी को लेकर जो है 2.5 दिन का मेला था उसमें मैंने शेयर किया था। पूरा झारखंड का जो कांवरिया पथ था वो पूरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके पहले भी शेयर किया था, उस समय कांवरिया जो है एक्का दुक्का चल रहे थे। और अभी और बसंत पंचमी को लेकर जो है बहुत ज्यादा जो है भीड़ हुआ, मतलब उस समय था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, तो आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल फिर से हम आए हैं क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो है महाशिवरात्रि आने वाला है और हो सकता है कि इसको लेकर जो है यहाँ पर जो है कांवरिया पथ पर श्रद्धालु दिखेंगे, बम लोग दिखेंगे, कांवरिए दिखेंगे। अभी फिलहाल मुझे एक भी, आज मैं यहाँ पर आई थोड़ा सा कि चलिए आप लोगों को जो है कांवरिया पथ पूरा दिखाएं, तो अभी मुझे एक भी कांवरिया यहाँ पर नहीं दिखे, मतलब कहीं भी नहीं दिखे, मतलब दिख ही नहीं रहे कहीं भी आते जाते, ना फिर डांडी बम, कोई भी बम अभी मुझे फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। तो बस अभी थोड़ा सा, बस आपको जानकारी के लिए छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, दिखा रही हूँ किस प्रकार से। तो ये कि जो ये जो कांवरिया पथ है, सरासनी का कांवरिया पथ है जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। और इधर जो बारिश हुई है उसकी वजह से थोड़ी सी जो मिट्टी जो जो उस समय जब हम आए थे तो बहुत ज्यादा रेत जैसा जो था वो नहीं है अभी। थोड़ा सा अभी गाड़ी चलाने में भी मुझे लगा कि जो ठीक ठाक है उतना जो है, उस समय के जो था रोड गाड़ी चलाने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं था, मतलब अभी है, देख सकते हैं पूरा जो है बीच का जो है जो रास्ता जो है वो अभी बहुत अच्छा है। खैर पैदल चलने के लिए जो यात्रा करते हैं उनके लिए तो खैर अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं पूरा जो है सन्नाटा पड़ा हुआ है, कांवरिया पथ एकदम खाली है, एकदम एक भी कांवरिया मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाह रही थी कि कैसा अभी जो है कांवरिया पथ है और आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि को लेकर जो है, तो हो सकता है कांवरिया पथ पर जो श्रद्धालु दिखेंगे कांवड़ यात्रा करते हुए, तो अगर मैं शेयर कर पाऊँ, अगर मैं फिर से कांवरिया पथ आऊंगी उसमें, तो हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कोशिश भी करूंगी कि आगे भी आप लोग को जो है कांवरिया पथ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस प्रकार से जो है यात्रा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी इतना दूर हम मैं आई तो मुझे एक भी कांवरिया नहीं दिखे। और ये सब जो आप देख रहे हैं परमानेंट जो शेड रहता है बना हुआ कांवरियों के लिए, वो तो सब आपको मिलेगा ही। और एका दुका जो है कांवरिया मिलते हैं, जब जैसे जो महीनवारी वाले जो कांवरिया चलते हैं वो मिलते हैं, तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, बहुत ही सन्नाटा लग रहा है। और बहुत सारे जो शिविर बनते हैं ये सब जगहों पर, जो खाली खाली जगह जो दिख रहा है इन सब जगहों पर जो है सावन के टाइम जो है शिविर बनता है और बहुत ही यहाँ पर जो है रौनक मिलता है और एकदम खाली है। तो अभी फिलहाल दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चलिए छोटा सा ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको यहाँ का कांवरिया पथ दिखाया है और अभी कांवरिया बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं, जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।